ये कहानी है, कहानी जहाँ पर लोग जहाँ पर लोग दुनिया में कंफ्यूज है, इसीलिए इसीलिए आगे आना पड़ा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो आप सभी देख रहे हैं टेक टाइम चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों अगर आप सभी 15,000 में एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसा स्मार्टफोन लेके आऊँ जो कि 15,000 के हिसाब से आपको अच्छी गेमिंग करवाएगा और साथ में अच्छी फोटोज और वीडियोज निकाल के देगा। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का नाम है पोको X6 Neo। दोस्तों इस फोन के साथ इन द बॉक्स आपको एक केस मिलेगी और A2C केबल मिलेगी, 33 वाट का चार्जर मिलेगा। दोस्तों अब चलिए इसके लुक और डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लास्टिक बैग के साथ आता है और जो फ्रंट में डिस्प्ले है उस पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। और दोस्तों ये 3 कलर में आता है, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक। अब दोस्तों चलिए इसके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नीचे आता है स्पीकर व्हील, उसके बगल में टाइप सी पोर्ट, उसके बगल में माइक्रोफोन और जो स्पीकर है वो मोनो स्पीकर है। डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है लेकिन हाँ मोनो स्पीकर है। और वहीं अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे तो 3.5 mm है जिसमें आप वायर्ड ईयरफोन कनेक्ट करके गाने सुन सकते हैं। और बगल में आईआर ब्लास्ट है जिससे आप अपने मोबाइल को रिमोट की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके बगल में नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन। दोस्तों अगर आप सभी राइट साइड में देखेंगे तो वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ की बटन है। और वहीं आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको सिम केयर टूल मिलेगा जिसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है। या तो आप मेमोरी कार्ड लगाइए और सिम लगाइए या तो आप 2 सिम लगाइए। तो अब चलिए दोस्तों बात कर लेता हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है, 120Hz की रिफ्रेश रेट है, 2160Hz की टच सैम्पलिंग रेट है। और वहीं अगर आप इसके ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 1000 nits की पीक ब्राइटनेस है। और इसमें दोस्तों 2 सर्टिफिकेशन आते हैं जिससे आपकी आई को प्रोटेक्ट करेगा ये फोन। तो एक है 1920Hz का TWM डिमिंग है जिससे आपको आई प्रोटेक्ट होगी। और एक TUVR हाईलाइन का भी सर्टिफिकेशन आता है। तो दोस्तों अगर आपको खतरनाक और कतई जहर लेवल की गेमिंग करनी है तो उसके लिए इसमें लगा है 6080 Dynasty का प्रोसेसर जो कि 6 nm पर बेस्ड है। और आपका गेमिंग सेशन लंबे समय तक चले तो उसके लिए दी गई है 5000 mAh की बैटरी विद 33 वाट की चार्जिंग। और इसमें अंतुतु स्कोर आपका 4.5 लाख तक जाता है। और वहीं आपको यहाँ पे LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ ये फोन आता है। अब चलिए कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 7 5G बैंड है, डुअल 4G वोल्ट है और इसमें Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.3 का सपोर्ट है। और ये स्मार्टफोन आपका IP54 की रेटिंग के साथ आता है। और दोस्तों ये फोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 14 पे Android 13 के साथ आता है। और इसमें 2 साल का OS अपडेट मिलेगा यानी आपको Android 14 और 15 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 आना चाहिए, यहाँ पर 13 दे दिया गया तो ये थोड़ा डाउन साइड है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके सिक्योरिटी अपडेट कितने मिलेंगे। तो 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब चलिए इसके कैमरा के बारे में बात कर लेता हूँ। तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि रियर कैमरा है बैक में, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है जो कि कोई काम का नहीं है, मतलब उसमें फोटोज आएंगी नहीं उसको छोड़ दीजिए। अब फ्रंट में आता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों अब चलिए बात कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। तो आप पीछे जो रियर कैमरा है और जो फ्रंट में सेल्फी कैमरा है दोनों से ही आप 1080p 30fps तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों अब चलिए इसके प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। ये फोन 2 वेरिएंट में आता है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 15,999 rupees का। और दूसरा वेरियंट है 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, 17,999 rupees का। दोस्तों अगर आप सभी इस फोन को कैरी करते हैं तो आपको ये फोन भारी नहीं लगने वाला क्योंकि ये बहुत ही हल्का है, क्योंकि इसका वेट है 177.3 grams का। इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो बस दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया धमाकेदार कंटेंट के साथ।